हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देखिए अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग्स अगर आपको चेक करनी है कि अर्निंग्स किस कंपनी की कितनी अच्छी आई है, और आप ज़्यादा फाइनेंशियल्स में नहीं पढ़ना चाहते और उसका क्या प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक 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 बहुत बढ़िया साइट है, उस साइट पे सारा कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है कि इस अर्निंग्स जो है लाइव कहाँ पे किस कंपनी की अपडेट हो रही है, किस कंपनी की आ रही है, और उसका जो है उसके प्राइस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसका फाइनेंशियल ट्रेंड कितना जो है स्ट्रांग हुआ, तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, ये मार्केट्स मोजो की साइट है। मार्केट्स मोजो जो है मनी कंट्रोल के डायरेक्ट कंपटीशन में आ गया है। मार्केट्स मोजो ने मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट्स मोजो बहुत ही ज्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, एआई को यूज करके जो है आपको कंपनीज की लिस्ट देता है। तो देखिए, मार्केट्स मोजो में इन्होंने अभी रिजल्ट्स जो है लाइव इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स का सीजन अभी चल रहा था, तो इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पे आपको फिल्टर्स भी दिए हैं कि आप जो है यहाँ पे फिल्टर्स के माध्यम से जो है पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी का ट्रेंड जो है अप गया, और इनके यहाँ पे क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ इन्होंने 7 पॉइंट के स्केल पे जो है फाइनेंशियल ट्रेंड को आपका रखा है। सबसे सेवन सेवन दिया है नंबर आउटस्टैंडिंग को, जिसमें आपको आउटस्टैंडिंग मिलता है तो वहां पे उसका जो है फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। वेरी पॉजिटिव उससे थोड़ा कम है, 6 नंबर दे देंगे, और 5 जो है पॉजिटिव को दिया है, 4 जो है फ्लैट को दिया है, 3 जो है नेगेटिव को, 2 जो है वेरी नेगेटिव को, और 1 जो है वो डज नॉट क्वालिफाई। उसका फाइनेंशियल ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है कि वो एक क्वालिफाई कर सके इस रेटिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट कैप से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। मार्केट कैप, जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी 20,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है उनका जो है लार्ज कैप में रखा जाता है, 5,000 से 20,000 के बीच में जो है वो मिड कैप होता है, और स्मॉल कैप जो होता है वो 1,000 से 5,000 के बीच में, और माइक्रो कैप 1,000 करोड़ से नीचे होता है। इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन्होंने चेक बॉक्स दिया, आप यूज करना चाहें तो इसको चेक कर देंगे, तो जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वही आपके पास यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको इंडस्ट्री से अगर फिल्टर करना है तो सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने दी है दोस्तों। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं इसमें। अब मैं आपको यूज करना सिखा देता हूँ। देखिए, जिसका भी कोई भी इसमें कंपनी होती है तो कोई भी कंपनी को इन्होंने 3 जो है पैरामीटर्स पे क्लासीफाई किए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप, मैं यहाँ से लार्ज कैप जो है लार्ज कैप ही रखता हूँ, क्योंकि देखिए लार्ज कैप को ही ट्रैक करने में फायदा रहता है, उनके रिजल्ट्स काफी स्टेबल होते हैं और काफी ऑथेंटिक होते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये आ रहा है कि सन फार्मा के रिजल्ट्स आए, तो यहाँ पे आप इसको अगर एक बार क्लिक करें तो मैं आपको इसका पैरामीटर्स बता देता हूँ कि मार्केट्स मोजो कितना कितने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल, देखिए ये 3 पैरामीटर्स पे जज करता है किसी भी कंपनी को। अगर आप ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करे, और मार्केट्स मोजो के पास इतना एडवांस प्लेटफॉर्म है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई प्लेटफॉर्म, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म इनका इतना एडवांस है जो कि एल्गोरिथमिक क्रॉलिंग करके मार्केट्स को 3 रैंक्स पे बेस्ड करता है, जो क्वालिटी क्वालिटी देखिए क्वालिटी इसकी गुड दिखा रहा है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन मतलब कि ये इस समय अगर आप लें तो ये आपको बड़ा सस्ता मिल रहा है स्टॉक या बड़ा महंगा मिल रहा है। महंगा से इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, सस्ते या महंगे का वैल्यूएशन मतलब ये होता है कि ये स्टॉक जो है ओवर प्राइज्ड है, मतलब जो इसकी रियल में वैल्यू है, रियल ग्रोथ हो रही है, क्या मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो उस रियल ग्रोथ से बहुत ज्यादा आगे है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसे बहुत आसान समझे महंगा है। और अगर वैल्यूएशन यहाँ चीप आ जाती है तो इसका मतलब जो भी इसकी रियल रियल बुक्स में वैल्यू है, रियल ग्रोथ हो रही है इसकी कंपनी की, और मार्केट में का जो रेट चल रहा है इस समय, मार्केट का रेट कम चल रहा है, तो मार्केट ने इसकी सही वैल्यू नहीं पहचानी है, तो ये चीपली आपको अवेलेबल मिल रहा है और आगे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो मल्टी वैगर जो स्टॉक्स होते हैं, जो कि देखिए 10-10 गुना भाग जाते हैं, उनको भी निकालने का यही फंडा रहता है। और फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, ये दिखा रहा है कि इसका नेगेटिव चल रहा है, और वेरी नेगेटिव चल रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे क्वालिटी पे,
तो ये आपको नीचे ले जाएगा और यहाँ पे देखिए बताएगा कि क्वालिटी इसकी गुड है या क्वालिटी इसकी, देखिए ग्रोथ में 62 नंबर दिए हैं, पीयर्स मतलब इसके अपने जो अपनी और सेक्टर्स की कंपनी है उनसे कंपैरिजन करता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इसकी क्वालिटी, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल ट्रेंड इसने कैसे मार्केट्स मोजो ने क्वालिफाई बताया आपको। तो आपको कोई भी स्टॉक अगर आप जो है पोर्टफोलियो के लिए रख रहे हैं तो उसमें आपको क्वालिटी गुड चाहिए, वैल्यूएशन आपको, वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैल्यूएशन पे आप क्लिक करेंगे तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, वैल्यूएशन आपका यहाँ एटलीस्ट जो है अट्रैक्टिव या वेरी अट्रैक्टिव होना चाहिए ग्रीन पे। और फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखें, फाइनेंशियल ट्रेंड आपका वेरी पॉजिटिव या आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड जिसका नेगेटिव जा रहा है वो आप जिस कंपनी के देखें फाइनेंशियल्स नेगेटिव में जा रहे हैं, प्रॉफिट्स नेगेटिव में जा रहे हैं, सेल्स नेगेटिव में जा रही है, तो आप उस स्टॉक को क्यों लेंगे। तो ये चीज मैंने आपको मार्केट्स मोजो की इंट्रोडक्शन दी, जो कि आप देख सकते हैं कि आपको कितने इजीली आप एक स्टॉक को यहाँ टाइप कीजिए और इस इन तीन पैरामीटर से आप जज कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। क्वालिटी के आपको ये देखिए पैरामीटर्स भी यहाँ पे बताता है, क्वालिटी कैसे ये एनालाइज करता है, क्वालिटी स्कोर कार्ड ये सारा कुछ आपको बताता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में ना कवर करते हुए दोस्तों मैं आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बता रहा था। जब भी फाइनेंशियल्स किसी कंपनी के यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये रिजल्ट कमेंट्री डायरेक्टली जो है ये दे देते हैं कि इसका प्रीवियस स्कोर जो था 7 था, अब जो है इसका स्कोर जो है प्रीवियस अब जो है 20 हो गया है और इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव करे हैं। तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप लगा देता हूँ, देखिए फाइनेंशियल्स इसके इंप्रूव करें, रिजल्ट कब आया और रिजल्ट्स के बाद इसका जो है स्टॉक में स्टॉक कितना गिरा या कितना बढ़ा। तो देखिए जरूरी नहीं होता कि जिस स्टॉक के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मगर निफ्टी में या उस सेक्टर में ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उस सेक्टर की कोई पॉलिसी आ गई है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है तो वो भी बहुत इफेक्ट डालती है। तो देखिए यहाँ नेस्ले के रिजल्ट आए, इम्प्रूव्ड आए, पॉजिटिव आए और ये 4.55% ऊपर चला गया, इसके फॉल हुए तो ये देखिए नेगेटिव में गया। तो आप इससे ट्रेंड भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या सही में ये चीज जो है कब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, उस डेट को ही ट्रैक कर सकते हैं। जैसे देखिए अब जो रिजल्ट्स आएंगे आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं कि कब जो है रिजल्ट्स आएंगे और कब जो है और उस दिन स्टॉक कितना जो है गिरा या कितना बढ़ा, उसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए या गिरे, बजाय इसके आपको डायरेक्टली यहाँ कोरिलेशन मिल रहा है कि फाइनेंशियल अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उस दिन। तो आप ये चीज अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, इससे आपको आपकी कोई अगर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं अर्निंग्स को लेके, कंपनी की अर्निंग्स जब डिक्लेयर होती हैं तो उस चीज को भी आप यहाँ बैक टेस्टिंग उसकी भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये साइट काफी अच्छी है दोस्तों, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, और भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं। मैंने आपको अभी बताया था, अभी दिखाया था कि जब भी आप देखिए यहाँ पे आपको आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको जहाँ तीन डॉट्स ग्रीन मिलते हैं तो वो एक अच्छा स्टॉक होता है। देखिए जैसे ये जोडियक क्लोथिंग है, ये तीनों रेड मिल रहे हैं, वैल्यूएशन इसकी क्वालिटी भी बेकार है, बिलो एवरेज वैल्यूएशन, रिस्की में आ रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये आप अगर आप ज्यादा उस फाइनेंशियल के अंदर बैलेंस शीट्स नहीं एनालाइज करना चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख के फिर ही स्टॉक को खरीदिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद जो कि वेल इक्विप्ड हो बैलेंस शीट्स रीड करने के लिए तभी खरीदेगा। नहीं तो ये मैंने आपको एक इजी वे बताया है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड करने का। तो यहाँ पे देखिए अगर आप आउटस्टैंडिंग को क्लिक करें तो आउटस्टैंडिंग वाले स्टॉक्स आ जाते हैं, ये वाले स्टॉक आउटस्टैंडिंग है, और अगर आप चाहते हैं कि मिड कैप वाले आउटस्टैंडिंग आए तो मिड कैप वाले आउटस्टैंडिंग आ गए जिनका कि फाइनेंशियल्स काफी इंप्रूव करे हैं। तो ये आपके स्टॉक्स जो है आप एक क्वार्टर के लिए भी रख सकते हैं, ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप जिनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव किए हैं तो प्रोबेबिलिटी या संभावना इस चीज की ज्यादा है कि जो ये आने वाला क्वार्टर होगा, आने वाले 3 मंथ्स होंगे तो उसमें ये जो है काफी इंप्रूव, काफी अच्छा रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों हर ट्रेड के, हर कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, ट्रेड के बूस्टर्स होते हैं और ट्रेड के स्पॉयलर्स होते हैं। कोई अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड जो है आपको उस ट्रेड के बूस्टर्स मिलेंगे, यानी जो ट्रेड आपके फेवर में जाने की संभावना ज्यादा है वो वाली रीजंस मिलेंगे, और ट्रेड स्पॉयलर्स भी मिलेंगे। जैसे कि
ग्लोबल इन्वायरमेंट है, ग्लोबल जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा तो वो एक ट्रेड का स्पॉइलर हो गया, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ गई वो एक ट्रेड का स्पॉइलर हो गया, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की जाती है कि इन चीज को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट इसीलिए रिस्की होती है, स्ट्रेटेजी सबके पास है, बाय सेल की कंडीशंस हर जगह मिल जाएंगी, यूट्यूब इंटरनेट भरा पड़ा है बाय सेल की कंडीशंस के लिए, लेकिन कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा कि कौन कौन से संभावनाएं जो है मार्केट को, कौन कौन से फैक्टर्स जो है मार्केट को प्रभावित करते हैं और आपकी स्ट्रेटेजी जो है फेल हो सकती है किन किन कारणों के कारण। इसलिए प्लीज रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस बनाए हैं, उन रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस को फॉलो कीजिए और पोजीशन साइजिंग के साथ ही अब जो है ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो है आउट ये आपको जो अर्निंग्स एनालाइज करने के लिए एक वेबसाइट बताई है, मार्केट्स मोजो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इससे बेटर इस समय मार्केट में कुछ कोई वेबसाइट नहीं है जो अर्निंग्स को इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान तरीके से प्रेजेंट करके दे रही हो कि आप देखिए दोस्तों आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है एनालाइज ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में टाइम स्पेंड करे। तो इसीलिए ये ऐसी ऐसी चीजें ढूंढिए जिससे कि जो है एक देखते के साथ ही जो है आपको पता लग जाए कि कोई भी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा भी साइट है दोस्तों, screener.in है, जिसपे कि बहुत सारे फाइनेंशियल्स अवेलेबल होते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वो बहुत डिटेल्ड होता है, वहाँ एक एक रेशियो होती है, सारे फाइनेंशियल रेशियो, सारे फाइनेंशियल नंबर्स, प्रॉफिट्स हो गया, सेल्स हो गया, डेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, वो सारी चीजें वहाँ अपडेटेड होती है, वो चाहे तो आप वो भी एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश कर सकूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।